हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड में नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टैक्सेस, मींस होता है अरेंजमेंट, नोमोस मींस होता है लॉ, लॉ के बेसिस पर अरेंजमेंट करना, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी एक्चुअल में है क्या? टैक्सोनॉमी वो ब्रांच, ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें डील किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके प्रिंसिपल रूल्स और प्रोसीजर्स, जिसमें डील किया जाता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स रूल्स प्रोसीजर किसके बेसिस पर, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो नाउ दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी के जो एक्चुअल में जो टर्म टैक्सोनॉमी क्वाइंड किया था एपी डेकेंडोले ने, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं कैरोलस लिनियस, एंड फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज सांता पाओ फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी है। जबकि अगर हम टैक्सोनॉमी में एक्चुअल में स्टडी क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी की जो बेसिक यूनिट है दैट इज स्पीसीज, और टैक्सोनॉमिक स्टडी एक्चुअल में बेस्ड होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, जिसको कि हम अल्फा टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। जब हम टैक्सोनॉमी को टाइप में डिवाइड करते हैं तो उसमें एक होती है अल्फा, बीटा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, जिसमें कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी इज द बेसिक फीचर फॉर मॉर्फोलॉजी। जबकि अगर हम दूसरी बात करें इसी में और एक्सटर्नल फीचर के अलावा, अगर हम इसमें सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी स्टडी कर सकते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी जिसमें कि केमिकल बेसिस पर अगर टैक्सोनॉमी की स्टडी किया जाए, किसी भी सेल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसमें एल्कलॉइड्स क्या हैं, प्लांट में फ्लेविनॉइड्स क्या हैं, या बाकी केमिकल नेचर के बेसिस पर जो टैक्सोनॉमी बनेगी उसको कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। अगर डेवलपमेंटल स्टडी के बेसिस पर स्टडी करेंगे, दैट इज एग्जांपल जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, इसमें हम एवोल्यूशनरी स्टडी के साथ साथ में हम बात कर सकते, जैसे कि फॉसिल्स की स्टडी भी इसमें इंक्लूडेड है। सीरोलॉजी, ब्लड के बेसिस पर ब्लड में किस तरीके का प्रोटीन है, उसमें किस तरीके का उसका नेचर है, उसको स्टडी जो है वो सीरोलॉजी कहलाती है। देन मॉलिकुलर बेसिस पर डीएनए, आरएनए और उसकी जेनेटिक्स है। देन लास्ट इज एवोल्यूशनरी बेस्ड। तो इस तरीके से हम टैक्सोनॉमी को जो है इसके डिफरेंट स्टडीज इसमें किया जा सकता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज में। अब अगर हम कुछ और टैक्सोनॉमी की बात करें, तो जैसे कि कुछ टैक्सोनॉमी है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसको कि बीटा टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, जो बेस्ड होती है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी। देन अगर हम बात करें आज की जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, उसमें है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल स्टडी, इकोलॉजी एंड, तो इस तरीके से हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की भी बात करते हैं। और सेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी है वो कहलाती है ओमेगा स्टडी, साइटोलॉजी जो है उसमें, दैट इज। सो इस तरीके से टैक्सोनॉमी बनती जाती है और उसमें बहुत सारी स्टडीज इंक्लूडेड होती हैं। इसमें हम यहाँ तक कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बिहेवियरल बायोलॉजी और इनके बाकी सारे कंपैरेटिव रिलेशनशिप की भी स्टडी कर सकते हैं इस पूरी टैक्सोनॉमी के अंदर। देन दूसरी टर्मिनोलॉजी यहां पर जो हमें रिलेट करनी है वो है सिस्टमैटिक्स, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक्चुअल में सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक एक लेटिन वर्ड सिस्टमा से आया हुआ है। सो सिस्टमैटिक्स को अगर हम डिफाइन करें तो सिस्टमैटिक है होल मेड ऑफ पार्ट, जैसे हम बोल सकते हैं, या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। सो इसकी जो हम डील करते हैं विथ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्चुअल में सिस्टमैटिक्स की जो बेसिक यूनिट है जिसको अभी हम बात करेंगे, उसकी बेसिक यूनिट होती है पॉपुलेशन, जबकि टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट है स्पीसीज,
यहां हम स्पीसीज लेवल पर स्टडी करते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी उसमें स्पीसीज को मेन क्राइटेरिया बनाया जाएगा, जबकि सिस्टमैटिक्स की बेसिक यूनिट होती है हमेशा पॉपुलेशन पर स्टडी होती है यहां पर, दैट इज। तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंगस्ट देम, उसकी स्टडी सिस्टमैटिक्स है। और टर्म सिस्टमैटिक्स को बताया हुआ था सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने 1751 में, और सिम्पसन ने भी सिस्टमैटिक्स को कुछ अपने टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है। उनके अकॉर्डिंगली ये है कि स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी, जो उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो कि कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव इकोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी और कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री से जो चीजें निकल के आएंगी वो सर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब कुछ कहलाएगी क्या सिस्टमैटिक्स, दैट इज। तो यहां सिम्पसन ने भी अपने लेवल पर डिफाइन किया है, सिम्पसन ने 1961 में इसको डिस्क्राइब किया था। देन न्यू सिस्टमैटिक्स का जो टर्म था वो जूलियस हक्सले ने 1940s में यहां टर्म को सबसे पहले डिस्क्राइब किया हुआ था। देन अगर हम बात करें कि दोनों के रिलेशनशिप की, अगर अगर हम दोनों में डिफरेंसेस अगर बात करें टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में, ये दोनों टर्म हमने इसलिए यहां पर डिफाइन किए, इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। टेक्सोनॉमी की बात किया जाए तो उसमें इंक्लूड होते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये बेसिक इसके चार को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स ये चार आ सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें सिस्टमैटिक्स में, तो सिस्टमैटिक्स में जो हम बात करते हैं यहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, यहां भी आइडेंटिफिकेशन होगा, यहां भी नॉमनक्लेचर होगा, यहां पर भी क्लासिफिकेशन होगा, यहां पर एक साथ में और चीज आएगी दैट इज दी एफिनिटी, उनके बीच में आपस में कितनी रिलेशनशिप्स हैं दैट इज एफिनिटी को डिफाइन करता है। तो यहां पर सिस्टमैटिक्स की बात होती है, ये पांच चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। जबकि मैंने पहले ही बताया कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस यहां स्पीसीज को इंक्लूड करते हैं, यहां पर बेसिक यूनिट है पॉपुलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको टर्म दिया था एपी डेकिन डोले ने, और यहां जो टर्म दिया था वो थे कैरोलस लिनियस। देन यहां पर बेसिक तीन टाइप है, अल्फा बीटा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी, इसको देने वाले साइंटिस्ट थे टरिल, टरिल साइंटिस्ट ने अल्फा बीटा एंड ओमेगा में टेक्सोनॉमी को डिफाइन किया था। सो देन अगर हम बात करें न्यू सिस्टमैटिक्स यहां किसने दिया, जूलियस हक्सले ने, तो इस बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन यहां जो इनके डिफरेंसेस निकाल सकते हैं टेक्सोनॉमी के और सिस्टमैटिक्स में। जबकि यहां पर अगर हम बात करें कुछ बेसिक टर्म्स हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एक्चुअल में क्या है। यहां पर आइडेंटिफिकेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो किसी भी आइडेंटिफिकेशन डिटरमाइन करने की वो इसमें हम वो बात करते हैं जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी करेक्ट प्लेस, उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देना, उसकी फाइंडिंग्स बताना, दैट इज। सो दिस इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें किसी का करेक्ट नेम देना किसी ऑर्गेनिज्म का। बट उसके बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन को एक्चुअली में हम कैरिड आउट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कीज, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर की के बेसिस पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वहां हमें उसकी बात करते हैं यहां पर। देन अगर हम आइडेंटिफिकेशन को अगर कुछ एग्जांपल में समझें, कुछ पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एक प्लांट है तो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, जैसे कि लीफ, लीफ में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेम फ्लावर प्लांट में हम बात कर सकते हैं, उसकी स्टडी करना। कंपैरेटिव फीचर्स जो कि उसकी कीज के बेसिस पर भी बन सकते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप, वो लोकेट क्या होता है, उसका करेक्ट नेम क्या है, ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो उसके नया नाम देने में भी आइडेंटिफिकेशन से बड़ा बेनिफिट होता है।
दूसरी बात करें अगर हम क्लासिफिकेशन की, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, तो हम यहां बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअल में, तो ये एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है। क्या है? साइंटिफिक अरेंजमेंट किसका? ऑर्गेनिज्म का, कि उसकी हिरार्कियल सीरीज बनाई जाए, उसको सीक्वेंस में रखा जाए, देन उसके कुछ ग्रुप्स बनाए जाएं, उसके कुछ सब ग्रुप्स बनाए जाएं, उसकी सिमिलैरिटी और उसकी डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर, उसके डिफरेंसेस के बेसिस पर उससे क्या बेनिफिट होगा, जो उसके कैरेक्टर जो हमें ट्रेट दिखाई दे रहे हैं वो, उसके रिलेशनशिप, उससे हम क्या ब्रिंग कर सकते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। सो दिस इज अबाउट। बट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है? क्लासिफिकेशन से ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन आसान है, देन नया ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हर साल, क्योंकि हम नए नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन होना जरूरी है, उसकी करेक्ट एफिनिटी हमें मिल सकती है, उसकी फॉसिल की स्टडी के बारे में बताया जा सकता है, उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जा सकता है, उसका एवोल्यूशनरी पाथवे बनाया जा सकता है, और इसके एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। इससे हम रिकॉग्निशन कर सकते हैं किसी चीज का, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक बड़ी यूनिट निकल के सामने आती है हमारे में, जो कि टैक्सोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। देन अगर हम बात करें, इसमें हम रिलेशनशिप, नेचुरल रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, इसमें हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम की भी स्टडी को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। सो दैट इज देन। अब अगर हम बात करें कि टैक्सोनॉमी के एक्चुअल में बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, टैक्सोनॉमी के जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे पहला है डाइवर्सिटी। हम ये जानते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ह्यूज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसके बेसिस पर हमें उसकी डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करना है तो टैक्सोनॉमी की स्टडी जरूरी है। फिर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी हो गया, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमें सिस्टमैटिक्स डिवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में, फिर हम उसकी रिजेंबलेंस निकालते हैं, कॉमन रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, इससे हम वन और टू ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म भी मिल जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए भी बहुत जरूरी है, जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, तो उसका बेसिस ही टैक्सोनॉमी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम बात करें तो फॉसिल्स की स्टडी, फॉसिल्स को भी हम टैक्सोनॉमी के बेसिस पर ही स्टडी कर लेते हैं, तो उसका पॉसिबल टैक्सोनॉमी क्या होगी उस फॉसिल की, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इससे क्या होता है, हमें रिलेशनशिप बनाने में मदद मिलती है ऑर्गेनिज्म के बीच का, जो कि आज के क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन की भी स्टडी किया जा सकता है, यहां पर हम पेस्ट की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट और पैथोजन, इससे अवेयरनेस आती है पेस्ट और पैथोजन कैसा है, ये भी हमें, ये भी टैक्सोनॉमी के लिए हेल्प करता है। देन अगर हम बात करें इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स, हाउ इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बायो इंडिकेटर बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा लिचिंस, वो सल्फर डाइऑक्साइड का एक तरीके का इंडिकेटर है, अगर एटमोस्फियर में पॉल्यूशन है तो वो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देन कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि पॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए इंडिकेटर बन गए हैं, जैसे कि इकोली, वो फीकल कंटामिनेंट्स का एक तरीके का इंडिकेटर बन गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। देन अगर हम बात करें कुछ एरिड एनवायरमेंट में रहने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो अलग अलग प्लांट, अलग अलग स्पीसीज अलग अलग जगह पर ग्रोथ करती है और वो एक तरीके की इंडिकेटर स्पीसीज भी बन जाती है। नेक्स्ट इज क्वारंटाइन कंट्रोल, ये टर्म तो आज का सभी लोगों ने अभी बड़ा कॉमन है, क्वारंटाइन सेपरेट कर देना किसी चीज के लिए, तो टैक्सोनॉमी हमें हेल्प करती है किसी वीड को आइडेंटिफाई करने में, किसी पेस्ट को, किसी डिसीज ऑर्गेनिज्म को, तो उसको क्वारंटाइन सेंटर्स उसके लिए बनाए जाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहां पर बात कर रहे हैं हम उसके बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड अगला इंपॉर्टेंस जो निकल के आता है इसका, कैसे वीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे वीड अगर हम बात करें जो कि अगर कहीं एग्जॉटिक स्पीसीज बन जाती है तो वो डिस्ट्रॉय कर सकती है किसी स्पेसिफिक एरिया में, जिस जगह पर वो उसको
इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे हम एक एक प्लांट के बारे में जानते हैं, इसका अपनशिया, वो ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज है, बट ये हमारे इधर के हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। लेंटाना कैमरा के बारे में आप लोगों ने, सभी ने सुना होगा, वो यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस तरीके से भी और कुछ और, साउथ इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्थिनियम ग्रास का एक बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों ने सुन रखा होगा, आईकॉर्निया, ये सब आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीड्स में हम बात कर सकते हैं। देन स्टडी ऑफ इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी मतलब इससे हमें एक साउंड नॉलेज मिलता है। इकोलॉजी की अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो वो साउंड नॉलेज किसका मिलता मिल सकता है हमें? वो मिल सकता है किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, या किसी माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी हम उससे डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज इकोलॉजिकल स्टडी। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ये बहुत रिक्वायर्ड है, इससे हमें डायरेक्टली एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में बेनिफिट मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत जरूरी है। देन अगर हम बात करें इवोल्यूशन, टेक्सोनॉमी से हम नेचुरल रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी आइडेंट टेंडेंसीज, सो वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं इसमें। और लास्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ब्रीडिंग तो हम ये जानते हैं, इससे नई नई इंप्रूव्ड वेराइटीज बनाई जा सकती हैं, और इसके बेसिस पर डिफरेंट माइक्रोबियल वेराइटीज को, उनकी सब स्पीसीज को, और कई सारे यूटिलाइजेशन प्रोग्राम्स, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जो कि ब्रीडिंग जो एक इम्पोर्टेंस यहाँ से निकल के आता है टेक्सोनॉमी से। सो दिस इज अबाउट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, जिसकी बहुत सारी हायरार्कियल कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनका हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वहां पर पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू।